भारत की जनता को, भारत के युवाओं को, भारत के एकेडमिक एजुकेशन लिए हुए लोगों को अगर ये बातें नहीं बताई गई तो हम मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे, मध्यमा और शास्त्री पढ़ते रह जाएंगे, आपस में मंचों पर सेमिनार करते रह जाएंगे, बौद्धिक सम्मेलन करते रह जाएंगे, और उनका सम्मेलन पब में होगा, उनका सम्मेलन शराबों में होगा, उनका सम्मेलन उनकी तरह की पार्टियों में होगा। हमें घुसना होगा उनके बीच में, बच्चों के स्तर पे उतरना होगा। अरे इस दुनिया में वो परब्रह्म परमात्मा शुक्ल यजुर्वेद से जिसका आप सुक्ति पाठ करते हैं, वह अपने लोगों के मंगल के लिए अवतार लेकर के जिस स्थिति में मनुष्य है, उस स्थिति में आकर भगवान बनकर मनुष्य के रूप में आकर हमारा उद्धार कर लेता है। तो भारत के संत, भारत के महंत और भारत के सज्जन और माता पिता का भी ये धर्म है कि अपने बच्चों के स्तर पर उतर कर उनका उद्धार करें, उनके जीवन को ठीक करें, उनके जीवन से बुराइयां निकाले। हमें उनके स्तर पर आना होगा, हमें उतरना होगा उनके स्तर पर। हम इंतजार नहीं करेंगे तुम मंदिर आओगे तब हम तुमको धार्मिक कहेंगे, नहीं आएंगे वो। तुम कथा में आओगे तब तुमको हम मानेंगे, नहीं आते वो। वो बैठे अपने पब में, हमें जाना होगा। अकबर ने यही तो पूछा बीरबल से, अरे भाई तुम्हारे यहां इतना अवतार क्यों होता है, रोज ही अवतार ले लेते हैं, ये अवतार ये अवतार ये अवतार। बीरबल ने कहा हुजूर बताएंगे बाद में। नौका विहार हो रहा था, अकबर के बेटे को या उसके पुतला बना करके फेंक दिया बीरबल ने, फिकवा दिया। अकबर दौड़ गया, कूद गया। ओ बाद में पूछा किसने किया, बोला बीरबल। बोला फांसी पे टांगो इसको। कहा हुजूर बात तो सुन लो। बोला क्या, एक बात बताओ, सैकड़ों नाव तुम्हारे साथ चल रहे थे, नेवी तुम्हारे साथ चल रही थी, नेवी के अधिकारी तुम्हारे साथ चल रहे थे, लाखों गोताखोर हजारों गोताखोर तुम्हारे साथ थे, अरे उनको ऑर्डर दिए होते वो जा करके निकाल के ले आते, आपको तो ठीक से तैरना भी आता नहीं, क्यों छलांग मार दिए। अकबर ने कहा औलाद मेरी है, प्रेम मैं करता हूं, अपने बेटे को डूबते नहीं देख सकता। बोला मैं भी तो यही कह रहा हूं, हमारे ठाकुर जी हर को अपना संतान मानते हैं, वो किसी को डूबते नहीं देख सकते, इसलिए अवतार लेके आ जाते हैं। महाराज बार बार अपनी संतानों की रक्षा के लिए अवतार लेकर वो स्वयं आते हैं, ये अवतार की गणना है। बाकी तो हम भी वैदिक लोग हैं, एकमेव नदित्यम, उस एक के सिवा कोई दूसरा नहीं। क्या ये ज्ञान हमारे पास नहीं, ये ज्ञान सनातन का है, हमें मत सिखाओ, हमें मत बताओ कि ईश्वर एक होते हैं, ये ज्ञान हमारे यहां से निकला है, ये करोड़ों वर्ष पुराना ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान है, ये हमें क्या बता रहे हो। तुम्हारे पंथ तो अभी आए हैं, पता नहीं कितने कितने वर्ष पहले आए हैं, किसी का 2100 हो रहा है, किसी का 1400 हो रहा है, किसी का 3000 हो रहा है, किसी का 1500 हो रहा है। महाराज करोड़ों वर्ष के इतिहास को, करोड़ों वर्ष की संस्कृति को, सब कुछ वहीं से निकला है। मत हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, धर्म एक ही था सनातन, धर्म एक ही है सनातन, और धर्म एक ही सदा रहेगा सनातन, वो सदा से था है और रहेगा। पंथ लाखों हो सकते हैं, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। नाना मुनि नाना मत, 8 अरब लोग 8 अरब मत हो सकते हैं, पर धर्म सदा एक है। 10 लक्षणों से युक्त धर्म, 10 लक्षण युक्त धर्म जो सनातन संस्कृति में हमारे विद्वानों ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया, वो धर्म है, उसी धर्म का पालन सभी करते हैं।